हेलो स्टूडेंट, आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप, काफ़ी दिन बाद हम फिर से एक रूबरू हो रहे हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री, और क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री में हमें पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व पार्ट वन। इस क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री में हमें कुल टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, और स्टार्टिंग हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर से ही करेंगे। अभी हमारा एग्ज़ाम के बाद एडमिशन हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आफ्टर समर वेकेशन एडमिशन ओपन हो जाएगा और क्लास भी फिर से रिज्यूम हो जाएगी। तो हम लोग पहले से ही काम को स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट टॉपिक को ये लेके चलते हैं और बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में। तो हिस्ट्री में क्लास नाइन्थ में कुल हम लोग टोटल 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, और ये 5 चैप्टर जो है हमारा स्टार्टिंग में हमारा विश्व से रिलेटेड है, घटना चक्र है, घटनाएं हैं और उसका रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा जो हमें क्लास नाइन में पढ़ना है हिस्ट्री में, वो पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है। उसके बाद हमारे हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर 2 है वो है यूरोप में समाजवाद है और एवं रूस की क्रांति है। इसके अलावा चैप्टर 3 जो हमारा क्लास 9 में हमें पढ़ना है वो है नासीवाद और हिटलर का उदय पढ़ना है। ये हमारा SA1 के लिए, ये JCERT का सिलेबस मैं पढ़ाने वाली हूँ, और JCERT का सिलेबस और NCERT का सिलेबस दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, और SA2 के लिए हमारा जो ये यूनिट 2 है वो उसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। ये बेसिकली हमारा जीविका, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे वन समाज और एवं उपनिवेशवाद के बारे में हम लोग लेसन 4 में पढ़ेंगे। लेसन 5 में पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे का लाइफ स्टाइल क्या था उसको देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे, सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करेंगे, और चैप्टर 1 में हम लोग सबसे स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से या फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये हमारा चैप्टर 1 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम क्रांति की बात करते हैं तो कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है। क्रांति होने या रेवोल्यूशन तभी होता है जब उसके पीछे कुछ कारण होता है। जब इच्छा हुआ हम चाहे क्रांति कर दें या कुछ ये हो जाए रेवोल्यूशन करें, ऐसा थोड़ी ना होता है। बल्कि कुछ असंतुष्टि होती है लोगों के मन में, उस देश में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले, अपने एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट के प्रति। तो फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फ्रांस में एक क्रांति हुई। इस चैप्टर को हम लोग कई लेशन में ख़त्म करेंगे क्योंकि लंबा लेशन है। हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, क्रांति के क्या कारण थे, इसके बाद इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसको हम लोग कई टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़े में लेके हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और अपने लेसन को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्रांति क्यों हुई, उसके कारणों को समझेंगे। लेकिन क्रांति के कारणों को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग उसी दिन की घटना को समझेंगे जिस दिन फ्रांस में ये क्रांति हुई। ये जो क्रांति हुई हम लोग क्लास 9 में जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 1789 की क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में भी हम लोग फ्रांस की 2 क्रांतियों को पढ़ेंगे, वो 10th में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 9th में केवल फ्रांस में हम लोग एक ही क्रांति को पढ़ेंगे जो विश्व में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ये फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में, आधुनिक विश्व के इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। ये क्रांति 14 जुलाई को हुई, और उसी दिन की घटना के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति के पीछे क्या उद्देश्य था, उसका क्या कारण था, और फिर इसका क्या परिणाम हुआ। तो इस दिन 14 जुलाई को पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ सुबह से ही क्या था, पूरे पेरिस में आतंक का माहौल छाया हुआ था। सम्राट जो वहाँ का राजा जो था वो भी अलर्ट हो चुका था, उसने शहर में क्या बुलवा लिया था, सेना घूमने का आदेश दे दिया था। और अफवाह यह थी कि सेना को, नागरिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है। पूरे ये शहर में अफवाह फैला हुआ था कि सम्राट ने क्या कहा है कि जितने भी नागरिक को चाहे वो गोली चला सकता है, ऐसी अफवाह थी। लगभग 7000 मर्द एवं औरत फ्रांस के, उन लोग यहाँ एकत्र होने लगे, टाउन हॉल में एकत्र होने लगे और एक जन सेना का गठन करने लगे।
ताकि जो राजा से उनके मन में असंतुष्टि थी उसको समाप्त किया जा सके। इसके लिए उन्हें हथियारों की जरूरत थी। जब जन सेना बनाएंगे तो उनको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। और हथियारों की खोज के लिए वो लोग क्या करने लगे? सरकारी भवनों में घुसने लगे। इसी हथियार की खोज में उन्होंने पेरिस में एक पेरिस के पूर्वी भाग की ओर आगे बढ़े और वहाँ बास्टिल के जेल को तोड़ दिया और कैदी को मार दिया। वहाँ के जो कैदी थे, सॉरी, वहाँ के कमांडर को मार दिया और कैदी को क्या कर दिया? रिहा करवा दिया। और साथ ही साथ कैदी को रिहा करवा के वहाँ के जो हथियार थे उसको क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। सम्राट की ये लोग जो थे, सम्राट की निरंकुशता से क्या हो चुके थे? तबाह हो चुके थे, आतंकित हो चुके थे। और उन्हीं की निरंकुशता की वजह से ही इस तरह की घटना का परिणाम देखने को हमें ये मिल रहा है। और ये जो बास्टिल का किला जो था वो सबसे राजा का घृणा का केंद्र बन चुका था। इसलिए इन लोगों ने जो जनसेना का निर्माण किया था, सबसे पहले बास्टिल के किला को ही तोड़ डाला और कैदियों को क्या किया? रिहा कर दिया। इसलिए किले को उठा दिया गया और अवशेष के जो बाजार थे उन लोगों को बेच दिया गया और क्या कर दिया? ध्वंस को स्मृति के रूप में इन लोगों ने रख लिया। ये तो था उस दिन की घटना, 14 तारीख की घटना। अब असंतुष्टि के पीछे क्या रीजन था ये तो मैंने पहले बता दिया कि 14 तारीख को क्या घटना घटी। तो ये घटना घटने के पीछे लोगों में असंतुष्टि थी, डेफिनेटली असंतुष्टि थी। क्यों थी? क्योंकि ब्रेड के दाम काफ़ी बढ़ रहे थे, लोगों की पहुँच से बाहर हो रही थी। लेकिन इस विरोध करने के बावजूद भी राजा के कानों में जू नहीं रेंग रही थी और इसका नतीजा क्या हुआ? क्रांति के रूप में पनपा। अब हम जानेंगे इस क्रांति के पीछे क्या मूलभूत कारण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रांस का समाज क्या था। इस चैप्टर को हम लोग कई पार्टों में, टुकड़ों में बंटवारा करेंगे। आज हम लोग केवल बात करेंगे कि फ्रांस के सामाजिक स्थिति, यानी कि वहाँ का सामाजिक कंडीशन जो कि ये क्रांति का कारण बना। तो हम लोग समाज का स्थिति को देखेंगे, समाज कैसा था फ्रांस का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो जिसके समय में, जिस राजा के समय में ये घटना घटी, फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय राजा कौन था, पहले इसको देखेंगे। तो 1774 में लुई 16 जो था वो 16वां बुर्बो वंश का ये गद्दी पे बैठा। और इसके गद्दी के बैठने के समय क्या था? फ्रांस का खजाना जो था वो खाली हो चुका था। फ्रांस में आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगाई हो चुकी थी। ये पहले से था, फ्रांस कई सालों से, वर्षों से युद्ध में तब्दील था और इसके वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। बावजूद इसके फ्रांस का जो किला था वहाँ फिजूल खर्च उसके सानो सौकत में अभी भी बरकरार था। लेकिन लोगों का जो नीड था, फैमिली नीड, अभी भी लोग वहाँ ये चीज़ से वंचित रह रहे थे। ब्रेड का दाम बढ़ रहा था, सोसाइटी भी जो था वो काफ़ी तीन स्तरों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन लोग रहते थे? फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे वो थे पादरी लोग। इस फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो कौन थे? ये पादरी लोग। ये किसी प्रकार का टैक्स पेमेंट नहीं करते थे, ये सुख सुविधा वाले व्यक्ति थे। सेकंड स्टेट के लोग कौन थे? ये थे कुलीन वर्ग के लोग। सेकंड स्टेट में कौन थे? कुलीन लोग। कुलीन लोग भी सुख सुविधा वाले, यानी कि रईस घर वाले कुलीन लोग। और थर्ड स्टेट में जो थे वो थे कॉमन मैन, आम पीपुल। ठीक है, इसमें जो व्यवसायी थे, छोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, किसान हो गए और कारीगर हो गए, छोटे किसान हो गए, भूमिहीन मजदूर हो गए इत्यादि। तो निम्न कुल के लोग जो थे, तीसरे वर्ग के लोग जो थे, थर्ड क्लास वाले जो थे, थर्ड स्टेट वाले जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉमन लोग थे, कॉमन मैन थे, इन्हीं को क्या करना पड़ता था? टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। इस वजह से भी समाज में क्या हो रही थी? असंतुष्टि हो रही थी। तो आज हम लोग केवल यहीं तक छोड़ेंगे, अपने फ्रांस की क्रांति में सामाजिक व्यवस्था को बारे में बात कर रहे हैं, यहीं तक देखेंगे। इससे नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे कि वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था या फिर और भी क्या सिचुएशन हुआ, ऐसे तात्कालिक परिस्थिति क्या हुई वहाँ फ्रांस में क्रांति हुई।
थैंक यू सो मच।